नमस्कार विद्यार्थियों, चूँकि हम टेक्सटाइल एंड डिज़ाइनिंग का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम देखते हैं कि भारत के परंपरागत वस्त्र क्या होते हैं। जब हम हमारा वार्डरोब खोलते हैं या हम वार्डरोब बनाना चाहते हैं तो वार्डरोब में हमेशा ये हम देखते हैं कि हमारे पास भारत की परंपरागत वस्तुएं हों, परंपरागत साड़ियाँ हों, परंपरागत वस्त्र हों। तो भारत के कौन कौन से परंपरागत वस्त्र हैं, उनकी क्या खूबियाँ हैं, उनमें क्या किस तरीके से बूटियाँ बनाई जाती है, वो कहाँ पाए जाते हैं, उनको आप कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, इन्हीं सब बातों की जानकारी हम इस वाले वीडियो में देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वस्त्र के बारे में। तो वस्त्र हमने पहला देखा है, ये है ढाका का मलमल। ढाका के मलमल को हम भारत के उसमें इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ढाका जो है वो अभी तो बांग्लादेश में स्थित है, परंतु एक समय था जब यह भारत में ही स्थित था, इसलिए हम इसे भारत का ही वस्त्र मानते हैं, भारत का ही परंपरागत वस्त्र मानते हैं। तो पहला है कि ढाका का मलमल हुआ करता था। मलमल मतलब आप मलमल के नाम से ही आप समझ जाएं कि मतलब बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा हुआ करता था। इसका निर्माण स्थल ढाका के ढाका जो कि अभी बांग्लादेश में स्थित है वहाँ पे हुआ है। इसमें जो रेशा काम में लिया गया है वह कपास के रेशे काम में लिए गए हैं। कपास के रेशों से मलमल का कपड़े का निर्माण हुआ है। अच्छा, ये जो मलमल का कपड़ा है इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि ये जो पूरा का पूरा थान होता है इसको आप इतना नरम, इतना सॉफ्ट, इतना पतला होता है कि जो ओरिजिनल ढाका का मलमल होता है हम उसे अंगूठी में से निकाल सकते हैं। बिल्कुल आपने सही सुना है, पूरे थान को हम एक अंगूठी में से निकाल सकते हैं, इतना नरम, इतना मुलायम वह होता है। इसके अलग अलग नाम दिए गए हैं, ये है शबनम, आबे हवा, वफ्ते हवा और मलमल खास। जैसे कि नाम से ही इंडिकेट है, मलमल खास मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कपड़ा होता था। चूँकि यह नेचुरल फाइबर, जैसे कि हमने नाम बताया आपको, कपास के रेशों से बनाया जाता है, इसलिए जो कपड़ा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है था उसको नाम दिया गया था मलमल खास। नेक्स्ट हम बात करेंगे ढाका की साड़ियों की। जैसा कि हमने अभी देखा कि ढाका का जो मलमल का कपड़ा है वो कहाँ मिलता था, ढाका में, बांग्लादेश में, इसी तरह ढाका की साड़ियाँ जो हैं वह भी ढाका में मिलेंगी। आप ये देखेंगे पॉइंट कि जो कपड़ा जहाँ मिलता है, जिस स्थान पर मिलता है उसका ही हमने नाम दे दिया गया है, ठीक है। जैसे चंदेरी साड़ियाँ कहाँ पर मिलती है, मध्य प्रदेश के चंदेर स्थान पर इसका डेवलप हुआ था, इसलिए इसको बोलते हैं चंदेरी साड़ियाँ। ढाका का मलमल ढाका के जगह पर डेवलप हुआ था। ढाका की साड़ियाँ कहाँ बनती हैं, ढाका के नाम पर बनती हैं। तो जहाँ से उसका जन्म स्थल हुआ है उसे हमने, उस कपड़े को उसका परंपरागत नाम दे दिया गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ढाका की जो साड़ियाँ आती हैं उसमें यह कपास के रेशों से बनाई गई है। सेम एज ढाका के मलमल की बात करी हमने, यह भी कैसे बनाई गई थी, कपास के रेशों से, और ये भी किससे बनाई गई है, कपास के रेशों से, और फिर इसको हमने मलमल के उससे बनाया गया है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो होती है इसके अंदर एम्ब्रॉयडरी की जाती है ना, इसके अंदर जो बॉर्डर होती है उसके अंदर एम्ब्रॉयडरी की जाती है, और जो एम्ब्रॉयडरी की जाती है वह सोने और चांदी के तारों से की जाती है। पूरी साड़ी बिछा दी जाती है और उसके अंदर जो नमूने उकेरे जाते हैं, उभारे जाते हैं, वह किसके रेशों, किसके धागे से बनाए जाते हैं, वह सोने और चांदी के महीन तार होते हैं, बिल्कुल बारीक जैसे रेशा होता है उस तरीके के तार होते हैं, और उनसे यह साड़ी का निर्माण होता है, ओरिजिनल जो हम साड़ी की बात करते हैं। नो डाउट आजकल उसकी कॉपीज बहुत सारी आ गई हैं ढाका के मलमल की साड़ियों के नाम से, परंतु जब हम ओरिजिनल परंपरागत साड़ियों की बात करते हैं तो परंपरागत साड़ियों में कढ़ाई में सोने व चांदी के तारों का जिक्र अवश्य होता है, यह सोने और चांदी के तारों से ही बनाई जाती है। इसकी विशेषता ये है कि अगर इसमें जो जो साड़ी होती है उसमें अगर टेढ़ी लाइनें बनाई जाती हैं सोने और चांदी की तो उसे किसका नाम दिया जाता है, तेरछा का नाम दिया जाता है। यदि मैं पुनः रिपीट कर देती हूँ इस बात को, यदि पूरी साड़ी में अगर तिरछी तिरछी लाइनें बनाई जाती हैं, तिरछी लाइनें सोने व चांदी के तारों से बनाई जाती हैं, तो उस जो
साड़ी है उसको तिरछा साड़ी कहते हैं। बूटेदार साड़ी, जैसे कि नाम से ही अंकित है कि जो बूटे छोटे छोटे फूलों के बनाए जाते हैं, तो उस साड़ी को बोलते हैं हम बूटेदार साड़ी। उसमें छोटे छोटे फूल उकेरे जाते हैं और वो भी चांदी और सोने के तारों से उकेरे जाते हैं। ये ध्यान रखिए, हो सकता है कि वह केवल आपकी प्लीट्स में हो, पूरी साड़ी के अंदर हो, बॉर्डर पर हो, पल्लू पर हो, कहीं पर भी हो, पर इसमें छोटे छोटे बूटेदार होंगे तो उस साड़ी को बोलेंगे हम बूटेदार ढाका की साड़ियाँ, जिसके अंदर किसका वर्क होगा, चांदी और सोने का वर्क होता है। नेक्स्ट प्रिंट की बात कर रहे हैं हम, दैट इज पन्ना हजारे। पन्ना हजारे और बूटेदार साड़ियों में यह फर्क होता है कि बूटेदार साड़ियों में छोटे छोटे बूटे बने होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे फूल बने होते हैं, और जबकि जो पन्ना हजारे साड़ियाँ होती हैं उसके अंदर फूलों के गुच्छे बने हुए होते हैं, बहुत सारे बंच ऑफ फ्लावर्स जहाँ पे इकट्ठे करके बनाए जाते हैं, तो उन साड़ियों को हम बोलते हैं पन्ना हजारे ढाका की साड़ियाँ। जतार साड़ियाँ, जतार मतलब जाली वाली, ऐसी साड़ियाँ जिसके अंदर जालीदार प्रिंट बनाया जाता है, उन साड़ियों को हम बोलेंगे जतार साड़ियाँ ढाका की। फिर हम बोलते हैं फुलवार, जैसे कि नाम से ही इंडिकेट है, बूटेदार और फुलवार में, बूटेदार में छोटे छोटे फूल होंगे, फुलवार में पूरी साड़ी में आपको फूलों के अलग अलग तरीके से काम दिखाई देंगे। तारेदार साड़ियाँ, तारेदार साड़ियों के बारे में ये कहा जाता है कि जो तारेदार साड़ियाँ होती हैं ढाका की, उसके अंदर बहुत सारे जो सोने और चांदी के तार हैं उनका उपयोग अत्यधिक होता है, वो बहुत कॉस्टली होती है। बट ऑब्वियस सी बात है, जब सोने और चांदी के तार उसके अंदर लगे होंगे तो वो उस साड़ियों, जैसे जैसे चांदी और सोने का कॉस्ट बढ़ता है वैसे ही उनकी साड़ियों का भी कॉस्ट बढ़ता जाता है। तो जो तारेदार साड़ियाँ होती हैं उसके अंदर महीन तारेदार काम सोने और चांदी के होते हैं, और पूरी साड़ी में झिलमिल करती हुई साड़ी होती है, और यह बहुत कॉस्टली साड़ी होती है। जो इसके अंदर नमूने उकेरे जाते हैं ढाका की साड़ियों में, वो उकेरे जाते हैं पशु पक्षियों के, मोर के, हंस के, तोते के, मानव की आकृतियाँ, उड़ती चिड़िया की आकृतियाँ, नृत्य करती बालाएँ, देवी देवता आदि। और अब जब हम बात करेंगे स्पेशली जब तारेदार साड़ियों की, तो जो तारेदार साड़ी होती है उसके अंदर लोकली जो रीति रिवाज होते हैं, हमारे जो रीति रिवाज होते हैं, जो लोकल हम मनाए जाते हैं, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की बात नहीं कर रहे हैं हम, केवल किसकी बात कर रहे हैं, चूँकि हम ढाका की साड़ियों की बात कर रहे हैं तो हम ढाका के रीति रिवाजों की बात करेंगे। तो ढाका के रीति रिवाज में जो जो परंपराएँ होती हैं, उनकी जो रीति रिवाज होती है, उनको जब तारे के चांदी और सोने के तार के द्वारा उकेरा जाता है तो उन्हें तारेदार साड़ियों के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं चंदेरी साड़ियों की। चंदेरी साड़ी चंदेर के स्थान पे उपलब्ध है। चंदेर जो जगह है वह मध्य प्रदेश में है, यह भी हमारे भारत में आता है। इसका निर्माण होता है सूती व रेशमी धागों से, और इसमें कढ़ाई रेशमी धागों से होती है। आप बात को, पॉइंट को समझें, जो कपड़े का निर्माण होता है उसमें सूती और रेशमी धागों का लिया जाता है, परंतु इसमें जो एम्ब्रॉयडरी की जाती है चंदेरी की साड़ियों में, वह किसके द्वारा की जाती है, रेशमी धागों से कंपलसरी की जाती है। हम आजकल जो वैरायटी ऑफ जो कपड़े ले रहे हैं और जो मार्केट में आ रहे हैं चंदेरी की साड़ियों के नाम से, हो सकता है उसके अंदर डुप्लीकेट हो, उसके अंदर रेशमी धागों का एम्ब्रॉयडरी ना हो, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इसके अंदर इसकी विशेषताएं क्या हैं। ये बिल्कुल सूक्ष्म होती हैं, बिल्कुल बारीक होती हैं, और बहुत ही उत्कृष्ट साड़ियाँ होती हैं। इसका सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि इसका जो बॉर्डर होता है साड़ी का, वो बहुत चौड़ा बॉर्डर होता है। हमेशा चंदेरी की साड़ी आप खरीदने जाएंगे, बिल्कुल बारीक वर्क होगा, बिल्कुल छोटा वर्क होगा, इसके जो धागे होंगे बिल्कुल महीन होंगे, प्लस इसकी जो बॉर्डर होगी चंदेरी की साड़ियों की, वह थोड़ी चौड़ी होती है। और इसके अंदर जो नमूनों का उपयोग किया जाता है वह है जामिती नमूनों का, फूल पत्तियों के नमूनों का इसके अंदर कढ़ाई के अंदर उपयोग किया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि रेशमी धागों से ज्यामितीय या फूल पत्तियों के नमूनों का उपयोग करके जब हम चंदेर के सूती और रेशमी धागों से हम कपड़ों का निर्माण करते हैं तो उन्हें कौन से बोलते हैं, चंदेर की साड़ियाँ बोलती हैं, और ये प्रॉपर चंदेर में ही निर्मित होती है। आजकल नो डाउट इसको कहीं भी निर्माण किया जा सकता है, परंतु जो इसका बर्थ प्लेस जिसे आप कह सकते हैं, वह बर्थ प्लेस चंदेर है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट साड़ी है
बालूचर की साड़ी, बालूचर की साड़ी जो बालूचर में ही मिलती है। जब हम बात करते हैं उस पर्टिकुलर स्थान की, तो कहने का हमारा तात्पर्य होता है कि वह साड़ी नो डाउट इंडिया के किसी भी स्थान पर मिल जाएगी, परंतु उसकी बर्थ प्लेस, जो जगह जहाँ बनी थी, जहाँ पहली बार बनी थी और जो वहाँ पे प्रॉपर ट्रेडिशनल वे में जो बनाई जाती है, उस स्थान की बात करते हैं तो ये बालूचर की साड़ी यहाँ बालूचर में बनाई जाती है, जो मुर्शिदाबाद में मौजूद है। इसका निर्माण के लिए कपास के रेशों से बनती है साड़ियाँ जो बनाई जाती हैं, वह कपास के, हम ये बात कर रहे हैं भारत के परंपरागत कपड़े, ठीक है। तो हो सकता है कि साड़ियाँ बनाई जाए, हो सकता है कि मेल्स के विभिन्न वस्त्र बनाए जाए, या फॉर ए चेंज करने के लिए वो थान के थान बना दिए जाते हैं। परंतु जब हम परंपरागत वस्त्र की बात करते हैं तो हम जनरली बात करते हैं साड़ियों के बारे में, ठीक है। तो ये जो कपास के रेशों से बनाई जाती है और इसके ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी की जाती है वह रेशमी धागों से की जाती है। इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट विशेषता यह होती है बालूचर की साड़ियों में कि इसके मध्य भाग में छोटे छोटे बूटे पाए जाते हैं और जो उसका जो पल्लू होता है उस पर उत्कृष्ट नमूने करे जाते हैं। यह साड़ियाँ हथकरघा से बनाई जाती है। हथकरघा का तात्पर्य आप समझते ही हैं, यानी कि हाथ से बनाई जाती हैं, हथकरघे के द्वारा बनाई जाती हैं, इसमें किसी भी मशीन का उपयोग नहीं किया जाता है। मैं वापस रिपीट कर दूं इसकी विशेषताओं में कि इसकी विशेषताएं में ये आता है कि यह इसके पूरी साड़ी के मध्य भाग में छोटे छोटे बूटे होते हैं और उस पर पल्लू के ऊपर उत्कृष्ट नमूने बनाए जाते हैं। यह जो साड़ी है इसके अंदर मुगल काल को डिपिक्ट ज़्यादा करती है, मुगल काल से ज़्यादा प्रभावित हुई है, इसलिए इसके अंदर फूल पत्तियाँ, पशु पक्षी, मानव आकृतियाँ, फूल सूंघती हुई बेगम, हुक्का पीते सामन, तोरंज, गुलदस्ता आदि, यानी ऐसी ऐसे नमूने जो कि मुगल काल को डिपिक्ट करते हुए बताए जाते हैं, क्योंकि यह मुगल काल से बहुत प्रभावित है, इसलिए इसमें मुगल काल के हस्तकरघे से रेशमी धागों की मदद से बालूचर की साड़ियों को बनाया जाता है। हम बात करते हैं पटोला साड़ियों की। पटोला की जो साड़ियाँ होती हैं वह गुजरात में बनाई जाती हैं, काठियावाड़ में बनाई जाती हैं। गुजरात और काठियावाड़ में एक स्थान है पट्टन, उसके नाम से यह पटोला की पटोला उसको नाम दिया गया है साड़ी को। इसमें रेशमी धागों का उपयोग किया जाता है। यह भी अगर हम ओरिजिनल उसकी बात करें पटोला की साड़ियों की, तो ओरिजिनल पटोला की जो साड़ियाँ होती हैं वो जिस शादी ब्याह होते हैं, इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं, ट्रेडिशनल फंक्शंस होते हैं, उसके अंदर ये साड़ी, इस तरह की साड़ियाँ पहनी जाती हैं। आज भी पटोला की साड़ियाँ बहुत फेमस हैं और गुजरात में ट्रेडिशनल फंक्शंस के अंदर इस साड़ियों को पहना जाता है। इसमें बिल्कुल ब्राइट कलर्स का उपयोग किया जाता है, क्योंकि हम ट्रेडिशंस में, फंक्शंस में इसको पहनते हैं, तो ट्रेडिशनल फंक्शंस में हमेशा हम कौन से कलर पहनना पसंद करते हैं? ब्राइट कलर्स, चटक कलर। चूँकि हम इसमें चटक कलर पहनते हैं, इसलिए इसके अंदर हम हमेशा रेशमी धागों का प्रयोग करते हैं। चटक कलर और रेशमी धागों का ये संबंध होता है कि जितने भी सूती धागे होते हैं, तो सूती धागों में उतना ब्राइटनेस नहीं आ पाती है। सूती कपड़ों में भी आपने देखा होगा इतनी ब्राइटनेस नहीं आती जितनी कि रेशमी कपड़ों में आती है। तो चूंकि उसके अंदर ब्राइटनेस लानी होती है, इसलिए हम इसके अंदर रेशमी धागों का उपयोग करते हैं। इसके अंदर इसकी विशेषता, ये पटोला साड़ियों की विशेषता ये होती है कि इसको हथकरघे से, हाथ से बनाई जाती है, और इसको जो बुनाई के जो नमूने होते हैं, जहाँ पे भी आपको नमूने देने हैं, चाहे वो पल्ले पे देने हैं, चाहे वो बॉर्डर पे देने हैं या साड़ी में देने हैं, जनरली इसके अंदर पल्ले पे और बॉर्डर पे ही नमूने होते हैं। तो बॉर्डर पे या पल्लू पे नमूने देने होते हैं, तो ये नमूने जब बुनाई कर रहे होते हैं साड़ी की, उस समय ही देने दे दिए जाते हैं। बुनाई करते समय जो इस भाग पे आपको बुनाई डिज़ाइन देनी है पटोला की, उस समय उसको धागों को हल्के से रंग दिया जाता है। रंगने के पश्चात उसके अंदर फिर बुनाई करके डिज़ाइन को उकेरा जाता है और डिज़ाइन को बनाया जाता है। यह बहुत मुश्किल कार्य होता है। पहनने में जितना सुंदर पटोला साड़ियाँ लगती हैं, उतना ही उसको बनाना एक बहुत डिफ़िकल्ट कार्य होता है। उसके लिए बहुत एक्सपर्टाइजेशन की आवश्यकता होती है और इसको हाथ से ही ज़्यादातर बनाया जाता है। यह एक अद्वितीय कलाकृति है और इसमें बहुत अच्छे उत्कृष्ट नमूने बनाए जाते हैं। जनरली इसके अंदर फुलवारी, बाग कुंजरी, नारी कुंजर, परंपरागत नमूने,
नृत्य करती बालाएं, फूल पत्तियां, टोकरी और पशु पक्षी के नमूने बनाए जाते हैं। चूंकि आपको पता ही है गुजरात के अंदर गरबा जो डांस है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, और उसीलिए उसके अंदर उन्हीं परंपराओं को ध्यान में रखते हुए उन साड़ी पटोला की साड़ियों का निर्माण किया जाता है। बांधनी, जैसा कि हम राजस्थान से बिलोंग करते हैं इसलिए हम ये जानते हैं कि जो बंधेज की साड़ियाँ होती हैं उन्हें हम बांधनी कहते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि जो बंधेज का पुराना नाम है, परंपरागत नाम है, वो बांधनी है। ये राजस्थान और गुजरात में होती है। इसके अंदर कपास के रेशों से बनाई जाती है। आजकल जो मॉडिफाई कर देते हैं उसके अंदर ये इसमें रेशमी वस्त्रों पे और शिफॉन पे वस्त्रों पे कही जाती है। कपड़ा बनने के पश्चात, ठीक है, हम बात कर रहे हैं बंधेज की साड़ियों की, तो बंधेज में कपड़ा बनने के पश्चात इस पे धागे बांध दिए जाते हैं। जहाँ पे आपको डिज़ाइन चाहिए होती है, जहाँ पे कलर नहीं चाहिए होता है, रिपीटेड जहाँ आपको कलर नहीं चाहिए होता है वहाँ पे धागे बांध दिए जाते हैं। धागे बांधने के पश्चात उसे कलर में डिप कर दिया जाता है। कलर में डिप करने के पश्चात उसे कुछ समय तक सुखाया जाता है, वह कलर एब्जॉर्व कर लेता है, और कलर एब्जॉर्व करने के बाद में फिर जब आप उसको धागों को हटाते हैं तो एक अच्छी सी डिज़ाइन उभर के आती है। विभिन्न तरह की डिज़ाइन से इसके अंदर नाम लिया जाते हैं। यह क्योंकि बंधेज के कपड़ा बनने के पश्चात बंधेज का कलर किया जाता है, इसलिए हम कपास के धागों का काम में लेते हैं। और जो बंधेज के रंग होते हैं वो इतने फिक्स या इतने अंदर समाहित नहीं हो पाते हैं कपड़े के अंदर। इसके कलर जो होते हैं वो कच्चे होते हैं, इतने पक्के बंधेज के कलर नहीं होते हैं। नो डाउट इसके अंदर आजकल शिफॉन के और रेशमी धागों का भी उपयोग करा जाता है। इसके अंदर रंगों की कोई सीमा नहीं होती है, परंतु बंधेज के अंदर जनरली परंपरागत रूप से चटक कलर यूज़ किए जाते हैं। राजस्थान में चूंकि मरुस्थल है, ठीक है, अब जो मरुस्थल है तो वहाँ दूर से ही कोई आता हुआ जाता हुआ दिखाई देना चाहिए इस, और मरुस्थल में चूंकि सब जगह ब्राउन है, दूर से अगर आपको किसी को आना और जाना देखना होता है तो उसके लिए आपको ब्राइटनेस ही होती है। इसलिए यहाँ पे कपड़े जो हैं वो थोड़े बहुत ब्राइट कलर्स के पहने जाते हैं। तो बंधेज जो होती है वह ब्राइट कलर्स की होती है। छोटी छोटी बिंदियाँ लगाई जाती हैं, फूल पत्तियाँ की जाती हैं, विभिन्न प्रकार से कपड़े को बांध के उसके अंदर डिज़ाइन को उकेरा जाता है। और बंधेज के न केवल साड़ियाँ अपितु आजकल तो कुर्ते पजामे, बंधेज के कुशन कवर, बंधेज की बेडशीट, बंधेज के पर्दे आदि विभिन्न वैराइटीज़ आजकल इसमें बंधेज में उकेरे जाने लग गए हैं। और अगर हम परंपरागत वस्त्र की बात करें तो आज भी कई स्थानों में बंधेज की साड़ियों को विभिन्न कस्टम्स में, विभिन्न ट्रेडिशंस में, कई रीति रिवाज में पहनना आज भी राजस्थानियों के लिए कंपलसरी होता है, या आप ये कह सकते हैं कि यह पहन के अत्यंत उनको खुशी का अनुभव होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रोकेट की साड़ियों की। ब्रोकेट की जो साड़ियाँ हैं इनका निर्माण स्थल आप देखेंगे बहुत सारी जगह पे हुआ है, बनारस में भी है, अहमदाबाद में भी, औरंगाबाद में भी है, और सिंधिस्तान में भी है, मतलब बहुत सारी जगह पे इसका निर्माण होता है। इसके निर्माण के अंदर आप देखेंगे कि एक तो बहुत चौड़ी बॉर्डर होती है साड़ियों की, बहुत बड़ी बॉर्डर होती है साड़ियों की, और इन बॉर्डर के ऊपर रेशमी धागों से सोने और चांदी के पतले पतले धागों का प्रयोग करके इस पर कढ़ाई की जाती है। इसकी जो कढ़ाई है उसके अंदर अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे इन कढ़ाइयों की विशेषताओं में दिया गया है कम ख्वाब, आबे रवा, हिमरस, आमरस, पाटनाथ, इस तरीके की इनकी जो स्पेशल कढ़ाई होती है उनका इस तरीके से नाम दिया गया है। किस स्थान पे बनती है उसके हिसाब से इसका नाम दिया गया है। साड़ी में किस स्थान पे बनती है उस जगह पे किस तरीके के नमूने होते हैं, उस नमूने के स्थान कैसे नमूने होते हैं उसके के हिसाब से उसका नाम दिया गया है। इसमें जनरली फूल पत्तियां और लताओं का उपयोग किया जाता है। ब्रोकेट की जो साड़ियाँ होती हैं
उसमें सबसे बड़ी विशेषता होती है क्योंकि वो रेशम के धागों से बनी होती है, रेशमी धागों से बनी होती है, प्लस इसके ऊपर सोने चांदी का काम होता है, यानी कि एक तो रेशम का धागा प्लस सोने चांदी के तारों का काम किया जाता है, दोनों इनकी इसकी जो कॉस्ट होती है उसको बढ़ा दिया जाता है। इसमें एक विशेषता और पाई जाती है कि जो ब्रॉकेट की साड़ियाँ होती हैं उसका जो बॉर्डर होता है वो थोड़ा बहुत चौड़ा होता है, और इसी चौड़े बॉर्डर के ऊपर ये रेशमी धागे और सोने और चांदी के वस्त्रों के तारों का निर्माण से कढ़ाई की जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं पीताम्बरी साड़ियाँ। पीताम्बरी साड़ियाँ जो है पेठन स्थान पे, जो कि हैदराबाद में स्थित है, वहाँ पे इसका निर्माण स्थल है, चूँकि पेठन से इसका नाम दिया गया है पीताम्बर की साड़ियों पे। यह चूँकि साउथ में आता है हिंदुस्तान के, और सिल्क जो साउथ में सिल्क का उपयोग ज़्यादा किया जाता है, इसलिए सिल्क से रेशों से सोने व चांदी की कढ़ाई पे काम किया जाता है। और यह भी ऐसा होता है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल चीज़ों की बात करते हैं हम, जब हम ट्रेडिशनल रीति रिवाजों की बात करते हैं तो हम चटक कलर की बात करते हैं, चटक रंगों की बात करते हैं, इसीलिए पीताम्बरी जो साड़ियाँ हैं वह हैदराबाद में साउथ में ट्रेडिशनली काम में ली जाती हैं, और ट्रेडिशनल काम के लिए ली जाती हैं, इसलिए इसके अंदर चटक रंगों का उपयोग करके वस्त्रों को बनाया जाता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि इसका पल्लू बिल्कुल अलग होता है और बाकी साड़ी का पार्ट जो होता है बिल्कुल अलग होता है, ठीक है, और उसके पल्लू को और साड़ी के जो बाकी का आँचल होता है उसको सिलाई के द्वारा अलग जोड़ा जाता है। कहने का मतलब है कि पल्लू अलग है, आंचल अलग है, दोनों अलग अलग होते हैं, और अलग अलग बनने के बाद में फिर उनको सिलाई के द्वारा जोड़ा जाता है। इसके अंदर चकोर नमूना बना दिया जाता है, उस चकोर नमूने के अंदर बतख, हंस, मोर, यानी इस तरह के जो जीव होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, उनको बैठा के उसके अंदर एम्ब्रॉयडरी की जाती है। इसके अंदर फूल पत्तियाँ, फूलदान और गमले का भी उपयोग किया जाता है। लास्ट की हम बात करते हैं, भारत के परंपरागत वस्त्र बहुत सारे हैं, पर हमने कुछ चुनिंदा वस्त्रों के बारे में आपको यहाँ पे जानकारी दी है, और इसकी हम बात करते हैं कलमदार वस्त्रों की। कलमदार वस्त्र होते हैं, ये बाटिक कला जो होती है उसका एक पुराना रूप है। बाटिक कला वह कला होती है जिसमें आपको जहाँ पे कलर नहीं चढ़ाना है वहाँ पे कुछ लगा दिया जाता है, जैसे वैक्स की बात कर रहे हैं, जहाँ पे आपको कलर नहीं चढ़ाना है तो उधर हमने उस पर्टिकुलर स्थान पे नमूने पे हमने वैक्स को पिघला के और उधर लगा दिया, फिर हमने उसको कलर में डिप करा, फिर वापस हमने उसको कलर से बाहर निकाला, सुखाया, फिर जहाँ पे हमें वापस से नहीं लगाना है, कलर नहीं चढ़ाना है, तो हमने वहाँ पे वापस से वैक्स लगाया और फिर हमने कलर डुबोया, फिर हमने उसको स्टीम दे के वैक्स को हटा दिया। स्टीम देके वैक्स को हटाते तो हम देखेंगे कि विभिन्न तरह के कलर या विभिन्न तरह के नमूने उभर के आते हैं। तो ये जो कलमदार है ये बटिक कलर का पुराना रूप है। पुराना रूप इसलिए है क्योंकि इसमें हम बटिक कला में आजकल हम किसी भी तरह के कपड़ों का उपयोग कर लेते हैं, परंतु इसमें कलमदार में एक तो कपास के रेशों का उपयोग किया जाता है और इसके अंदर कलम या ब्रश, बटिक कला में तो आप बहुत सारी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, परंतु जो कलमदार जो कपड़े होते हैं, क्योंकि भारत के परंपरागत वस्त्रों में से एक है, इसलिए इसके अंदर कलम अथवा ब्रश के द्वारा कुछ इस तरह की वस्तुएं चिपकाई जाती है जिससे कि कलर वस्त्र के अंदर ना चढ़े। यह फूल पत्तियां, पशु पक्षी और इसमें विभिन्न प्रकार की मानव आकृतियाँ उकेरी जाती हैं। भारत के परंपरागत वस्त्रों की जब बात करते हैं हम, तो आप एक चीज़ हमेशा नोट करके देख रखिए कि यह कॉटन के वस्त्रों के ऊपर रेशमी वस्त्रों की कढ़ाई की जाती है, ठीक है, जनरली है ना। कॉटन के वस्त्र क्यों लिए जाते हैं, क्योंकि पहले जो ट्रेडिशनली हम कैसे यूज़ करते थे, कॉटन के वस्त्र की जाते थे। कढ़ाई किसके करते हैं, सोने और चांदी के तारों से की जाती है। जो राजा महाराजाओं जो पुराने टाइम में होते थे या मुगल एम्परर जो होते थे, उनको अपने आपको प्रजा से अलग प्रदर्शित करने के लिए वह सोने और चांदी के महीन तारों का उपयोग करके अपने वस्त्र को थोड़ा बहुत प्रजा के वस्त्रों से अलग करा जाता था। और जब हम ट्रेडिशनल वस्त्र की बात करते हैं तो ट्रेडिशनल वस्त्रों में हमेशा आप ही देखिएगा कि उसके अंदर चटक कलर का, ब्राइट कलर्स का उपयोग किया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ आज भी ट्रेडिशनल रीति रिवाज जब भी होते हैं, ट्रेडिशनल फंक्शंस जब भी होते हैं, हम हमेशा चटक कलर पहनना ही पसंद करते हैं, या किसी को, अन्य व्यक्ति को चटक कलर में ही देखना पसंद करते हैं। तो
ये दो पॉइंट्स होते हैं, एक तो जो रेशमी धागे या ब्राइट कलर्स का उपयोग किया जाता है, प्लस इसके अंदर सोने चांदी के तारों का काम में लिया जाता है। ये जनरली भारत के परंपरागत वस्त्रों में उपयोग में लाए जाते हैं।